नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल चारू चौधरी में। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। देखो, ये वीडियो मैंने बनाई है शुड और वुड का प्रयोग कहाँ होता है। अधिकांशतः बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि कहाँ पे शुड लगेगा, कहाँ पे वुड लगेगा। तो आज इस वीडियो में ये पूरा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। कैसे? कुछ ही मिनट की वीडियो होगी ये, जिसमें कहाँ कहाँ पे शुड का प्रयोग होता है, कहाँ पे वुड का प्रयोग होता है, एग्जाम्पल सहित आज मैं आपको बता दूंगी। और ये बात भी गारंटी ले लेती हूँ कि आप इसे भूल नहीं पाएंगे। बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। होता क्या है, हम थोड़ा सा समय नहीं लगाते समझने में, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा समय मुझे देना पड़ेगा और आप समझ जाएंगे कि कहाँ पे शुड का, कहाँ पे वुड का प्रयोग होता है। देखो, मॉडल्स में अभी तक मैंने आपको क्या बता दिया, कैन कुड का प्रयोग कहाँ होता है, और इसके अलावा मैंने मे और माइट का प्रयोग जो है वो भी एक वीडियो बना दी है, अगर आपने नहीं देखी है तो वो भी देख ले। यहाँ पे मैंने लिखा है शुड और वुड, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगी कहाँ पे शुड का प्रयोग होता है, कहाँ पे वुड का प्रयोग होता है। देखो, यहाँ पे मैंने कुछ लाइंस पहले ही लिख दिए हैं ताकि क्लास में लिखने में हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो जाए। देखो, सबसे पहले जहाँ पे ड्यूटी बताई जाती है, जब आपको कहा जाता है ये तो तुम्हें करना ही चाहिए, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं शुड का बता रही हूँ। यू शुड गो टू स्कूल, जहाँ पे आप कहते हैं कि ऐसा तुमको करना ही चाहिए, जहाँ पे भी आप ड्यूटी बता रहे हैं, कर्तव्य बता रहे हैं, वहाँ पर शुड का प्रयोग होता है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो हो गई शुड का प्रयोग कहाँ होता है, ड्यूटी बताने में। दूसरा, जहाँ पे भी लेस्ट का प्रयोग हो रहा है ना, वहाँ पर शुड का प्रयोग होता है। लेस्ट का प्रयोग कैसे होता है, मतलब कम से कम, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल हो उससे पहले मेहनत कर लो। तो यहाँ पे जब भी हम कहते हैं ना ऐसा हो उससे पहले तुम ये कर लो, तो वहाँ पे लेस्ट का प्रयोग होता है। लेस्ट के साथ हमेशा शुड का प्रयोग होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तीसरा देखिए, तीसरा है पर्पस। कैसे, आई टॉट यू सो यू शुड पास, मैंने तुमको इसलिए पढ़ाया ताकि तुम पास हो जाओ, है ना। तो यहाँ पे क्या है, जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको इसलिए पढ़ाया ताकि, यहाँ पे क्या एक पर्पस है, आपको पढ़ाने के पीछे कोई उद्देश्य है। तो जहाँ पे भी उद्देश्य होता है वहाँ पर भी शुड का प्रयोग होता है। ठीक है, मैंने तुम्हारी गाड़ी ठीक की ताकि तुम उस गाड़ी से विद्यालय चले जाओ, तो क्या है, यहाँ पे हम कोई काम जब पर्पस से करते हैं, किसी उद्देश्य से करते हैं, वहाँ पर भी शुड का प्रयोग होता है। और अंतिम है परफेक्ट टेंस में भी शुड का प्रयोग होता है। कैसे होता है, आई, ये रुको, शी शुड हैव इन्फॉर्म्ड मी, उसे मुझे बताना चाहिए था, जब ऐसा आता है ना। बट यहाँ पे क्या होता है, बट शी डिडंट, जहाँ पे भी ऐसा आता है कि उसे ऐसा करना चाहिए था, जब उसने किया नहीं है, परंतु क्या कहा जाता है, जब ऐसी बात आती है कि उसे ऐसा करना चाहिए था, जहाँ पे हम परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं कि ऐसा उसे करना चाहिए था पास्ट में, तो वहाँ पर भी शुड का प्रयोग होता है कि उसे ऐसा करना चाहिए था परंतु उसने ऐसा किया नहीं। जब भी इस तरीके के सेंटेंस आते हैं वहाँ पर भी शुड का प्रयोग होता है। तो देखिए, चार तरीके से प्रयुक्त होते हैं, एक तो ड्यूटी बताई जाए, कंडीशन बताई जाए, पर्पज़ हो किसी के पीछे, और परफेक्ट टेंस में शुड का प्रयोग होता है। अब देखिए, वुड का प्रयोग कहाँ होता है, चार चीज़ों में शुड का हो गया है, अभी वुड का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है मैं आपको एग्जाम्पल सहित बता देती हूँ। जल्दी से, ज़्यादा समय नहीं लूँगी, फटाफट से आपको हर चीज़, क्योंकि बहुत लेंथी कोर्स है, अगर हम एक एक में 15-15 एग्जाम्पल्स देने लग जाएंगे तो कोर्स नहीं हो पाएगा। मेन मेरा उद्देश्य यह है कि आप समझ जाएँ कि शुड का प्रयोग कहाँ होता है, और जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो आप खुद बनाएं, है ना। और फिर वहाँ पर कोई भी डाउट हो तो मुझसे शेयर करें कमेंट बॉक्स में, ताकि आपका जो पर्सनल इंडिविजुअल किसी किसी के साथ में कोई प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, उन सब प्रॉब्लम्स को लेके मैं एक और वीडियो बना सकती हूं आपके लिए कि यहां यहां प्रॉब्लम आ रही है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए। अब देखिए, अगला है वुड। वुड का प्रयोग कहां होता है, रिक्वेस्ट के लिए। देखिए, विल से ज्यादा, जहां हम कहते हैं ना विल यू गिव मी दिस पेन, तो यहां से ज्यादा जब पोलाइटनेस दिखाई जाती है, ज्यादा विनम्रता का प्रयोग किया जाता है, वहां पर वुड का प्रयोग होता है। जैसे रिक्वेस्ट, वुड यू
ऑन दिस टीवी? क्या आप ये टीवी ऑन कर सकते हैं? क्योंकि ये क्वेश्चन है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया, जहाँ पे रिक्वेस्ट की जाती है वहाँ पर वुड का प्रयोग होता है। दूसरा है प्रोबेबिलिटी, मतलब संभावना होती है जहाँ पे भी संभावना। जैसे मैं आपको बता देती हूँ, शी वुड बी इन द फील्ड, वो जो है अभी खेत पे होगी, फील्ड में होगी। तो यहाँ पे क्या है, संभावना है कि वो इस समय यहाँ पे फील्ड पे होने के चांसेस हैं। तो जहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी या फिर संभावना होती है वहाँ पर भी वुड का प्रयोग होता है, ठीक है। दूसरी बात हो गई वुड के लिए, पहली हो गई रिक्वेस्ट में, दूसरी हो गई प्रोबेबिलिटी, तीसरी है रादर का प्रयोग। रादर का प्रयोग कैसे होता है मैं आपको बताती हूँ। आई वुड रादर स्टडी देन टू सी अ मूवी, मैं जो हूँ के बजाय, जहाँ पे भी के बजाय आता ना, मैं इसके अलावा रादर के साथ में वुड का प्रयोग होता है, इसके बजाय तो ये करना बेहतर है। मतलब यहाँ पे मैंने लिखा है स्टडी करना जो है मैं टीवी देखने की अपेक्षा ज़्यादा बेहतर मानता हूँ, मैं इससे अच्छा तो पढ़ाई कर लूँ, मूवी देखूँ एक उससे अच्छा। तो यहाँ पे क्या है, जब भी रादर का प्रयोग होता है वहाँ पर भी वुड का प्रयोग होता है, तीसरी इंपॉर्टेंट बात है। चौथा है विश, आई विश, जब भी हम विश करते हैं ना कि मैं ऐसी मनोकामना करती हूँ, ऐसी कामना करती हूँ, आई विश यू वुड बी अ डॉक्टर, मैं ऐसी कामना करती हूँ कि तुम डॉक्टर बन जाओ। तो वहाँ पे भी जब हम विश करते हैं वहाँ पर भी क्या होता है, वुड का प्रयोग होता है। विष, जहर वाला विष नहीं, जहाँ पे हम कामना करते हैं उस विष की बात कर रही हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब भी हम विष करते हैं कि काश ऐसा हो जाए, तो वहाँ पे भी किसका प्रयोग होता है, वुड का। चार बातें हो गई, आप पांचवी बात देखिए, पांचवा है अनरियल। जो भी अनरियल चीज़ें होती हैं, अनरियल कैसी, काल्पनिक। इफ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई, अगर मेरे पास पंख होते तो मैं उड़ जाती। तो यहाँ पे क्या है, कोई रियल तो है नहीं, हो नहीं सकता ऐसे पंख आ जाए, परंतु जब हम ऐसी कल्पना करते हैं कि काश ऐसा होता तो मैं ऐसा कर लेती। तो जहाँ पे भी विश किया जाता है, जब हम ऐसी जहाँ पे भी कल्पना होती है, जहाँ पे रियलिटी नहीं होती है कि बस ऐसी मनोकामना है कि काश मेरे पास ऐसा होता तो ये हो जाता। अब यहाँ पे क्या है, ये बातें रियल नहीं है कि मेरे पास पंख होते तो मैं उड़ जाती, परंतु ऐसी अनरियल काल्पनिक बातों के लिए भी जब हम काल्पनिक बातें करते हैं वहाँ पर भी किसका प्रयोग होता है, वहाँ पर भी वुड का प्रयोग होता है। अब कंडीशन, कंडीशन कैसा हो गया, जैसे आई वुड, या फिर रुको, शी वुड हैव इन्फॉर्म्ड me about this incident। देखो यहाँ पे पूरा नहीं आ रहा है, इंसिडेंट समझ आना, उसे मुझे जब ऐसा आता है ना ऐसी चीज़ के, उसे ऐसा तो मुझे बताना चाहिए था, जब ऐसा हुआ तो इसके बारे में तो मुझे बताना चाहिए था, या फिर शी वुड यहाँ पे, या फिर ऐसा कर सकते हैं कंडीशन दूसरी ले लेते हैं। चलो ये कंडीशन तो हो गई, दूसरी कंडीशन हम ऐसी ले लेते हैं कि They would have gone. They would have gone there before he come. वो उसके आने से पहले उन्हें वहाँ चले जाना चाहिए था, या उसके आने से पहले उन्हें चला जाना चाहिए। तो जहाँ पे ऐसी कंडीशन आती है वहाँ पर भी किसका प्रयोग होता है, वुड का होता है। और अंतिम में बताऊँगी पास्ट में, पास्ट में कैसे होगा, ही टोल्ड मी दैट ही will reach there in the morning।
उसने मुझे बताया कि वो मॉर्निंग में पहुंच जाएगा, तो ये क्या पास्ट बात है कि उसने मुझे बताया था, ही टोल्ड मी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी पास्ट की जहाँ बात होती है वहाँ पर भी वुड का प्रयोग होता है। तो दोस्तों देखो यहाँ पे हमने क्या देख लिया, यहाँ पे अगर शुड का प्रयोग होता है ड्यूटी के लिए, कंडीशन के लिए, पर्पस के लिए और परफेक्ट टेंस के लिए। वुड का प्रयोग होता है रिक्वेस्ट के लिए, प्रोबेबिलिटी के लिए, रादर के लिए, विश के लिए, अनरियल हो, कंडीशन हो, पास्ट टेंस हो, यहाँ सबके लिए शुड का होता है और यहाँ पे वुड का प्रयोग होता है। उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा कहाँ पे आप शुड का प्रयोग करते हैं, इतने सारे एग्जांपल्स दिए हैं मैंने आपको हर एक चीज़ पे, तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और उसके अलावा भी मैं कुछ ऐसी वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें ओनली प्रैक्टिस टेस्ट होगा, वहाँ पर आपको खुद को फटाफट से बताना है कि क्या सही होगा, है ना। तो यहाँ पर आपको फटाफट से आप इसी तरीके से करेंगे ना, जब प्रैक्टिस सेट आप खुद करके देखेंगे तब आपको और भी ज़्यादा जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है चारू ऑनलाइन स्टडी, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।